स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर डा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ एक बार 12 लाख रुपए निवेश करके अपने लिए 20,000 रुपये महीना की फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद भी जो 12 लाख रुपए आप जमा करेंगे वो यहाँ पर बढ़कर 10,96,00,000 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों ये स्कीम उन लोग के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी जिनके पास एक साथ कहीं से फंड आया है और वो उसे निवेश करके अपने लिए हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी शुरू करना चाहते हैं और अपने पैसे को भी यहाँ पर कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों वो लोग इस स्कीम के अंदर सिर्फ एक बार 12 लाख रुपए निवेश करके जिंदगी भर 20,000 रुपए महीना की फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी यहाँ पर कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे बेसिक जानकारी के साथ, ताकि आप इसमें निवेश करके अपने लिए हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस स्कीम के बारे में, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 28.61% का रिटर्न है। अगर हम एक साल की बात करें तो 69.63% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 35% का रिटर्न है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 25.16% का रिटर्न है। अगर हम ऑल टाइम की बात करें जब से ये स्कीम शुरू हुई है, दोस्तों ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार इस स्कीम ने 27.19% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है जिसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है और शेयर मार्केट के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है। यही वजह है कि अगर आप आज किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या होते हैं। तो दोस्तों वैसे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करने के लिए हमारे पास 3 विकल्प होते हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक विकल्प के बारे में बात करेंगे, वो है SWP प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान। दोस्तों ये प्लान म्यूचुअल फंड्स के अंदर बिल्कुल मंथली इनकम स्कीम की तरह काम करता है। इस प्लान के तहत अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो यहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो पैसे जमा करते हैं उस पर हर महीने एक फिक्स्ड पे आउट चूज कर सकते हैं और उसके बाद जो पैसे आप जमा करेंगे वो भी यहां पर बढ़ते रहते हैं, उसे हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो दोस्तों इस प्लान को अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये प्लान बिल्कुल मंथली इनकम स्कीम की तरह काम करता है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में निवेश करते हैं और वहां पर आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने फिक्स्ड आमदनी शुरू करते हैं और मैच्योरिटी के बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर हर महीने फिक्स्ड आमदनी के साथ आपका पैसा भी आपको बढ़कर वापस मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्कीम की रेटिंग की तो ये 5 है और इसका फंड साइज 7,362 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। इसका NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 67.70 रुपीज़ का है। दोस्तों NAV किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट प्राइस होता है, जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो करंट NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका पैसा किन स्टॉकों में निवेश किया गया है तो इसके अंदर गैलेक्सी, टाटा एलेक्सी, ब्रेडेड इंटरप्राइजेज, JK लक्ष्मी सीमेंट, नारायणा, CCL प्रोडक्ट्स, फाइन ऑर्गेनिक, जो दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की स्मॉल कैप कंपनी है, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, 0.37% का। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक खर्चा होता है, जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये काटने के बाद जो करंट NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। दोस्तों बात की जाए फंड मैनेजमेंट की कि आपका पैसा कौन मैनेज कर रहे हैं, तो अनुपम तिवारी 2016 से और हितेश दास 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में 7 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 4 सितंबर 2009 में। कंपनी के पास जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 1,94,434 करोड़ रुपये का है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, इस स्कीम का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो है 27.10% का, लेकिन ये स्कीम अगर आने वाले टाइम में आपको सिर्फ 25% का भी रिटर्न देती है और आप इसके अंदर हर महीने 20,000 रुपये महीना की फिक्स्ड आमदनी शुरू करना चाहते हैं तो ये पैसे आपको कैसे मिलने वाले हैं,
ईयर वाइज। चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक SWP कैलकुलेटर म्यूचुअल फंड्स का। इस स्कीम के अंदर अगर आप एक बार सिर्फ 12 लाख रुपए निवेश करते हैं और अपने लिए हर महीने 20,000 रुपये महीना की फिक्स्ड आमदनी शुरू करना चाहते हैं, और यहाँ पर इस स्कीम का जो रिटर्न है वो हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 25% का। इस पैसे को अगर आप सिर्फ एक साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से एक साल के अंदर आपको 2,40,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और उसके बाद भी जो 12 लाख रुपए आप जमा करेंगे वो बढ़कर एक साल के अंदर 12,33,607 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहां पर 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपए महीना के हिसाब से 3 साल के अंदर 7,20,000 रुपए का आपको पेआउट मिल जाएगा, यानी इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और उसके बाद भी आपको यहां पर 13,28,127 रुपए मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहां पर 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 14,40,000 रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 15,78,375 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 9 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 21,60,000 रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 20,67,140 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 28,80,000 रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 30,21,759 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 36 लाख रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको 48,86,250 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 18 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 43,20,000 रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 85,27,835 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 21 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 50,40,000 रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 1,56,40,304 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 24 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 57,60,000 रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 2,95,31,846 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 27 साल के लिए निवेश करते हैं तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 64,80,000 रुपये का आपको पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 5,66,63,764 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं 12 लाख रुपये तो 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 30 साल के अंदर आपको 72 लाख रुपए का पेआउट मिल जाएगा। और उसके बाद भी जो 12 लाख रुपए आप जमा करेंगे वो आपके बढ़कर 10,96,55,791 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों एक्सिस की एक काफ़ी शानदार स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आप सिर्फ एक बार निवेश करके अपने लिए ज़िंदगी भर 20,000 रुपये महीना की फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।